अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं अपना करियर और फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ कोर्सेज जो मेडिकल फील्ड में आप कर सकते हैं 12वीं के बाद अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ। मैं डॉक्टर अर्चना अरविंदन, फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, आज आपके साथ इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है, और जैसे कि आप जानते हैं कि नीट तो लाखों बच्चों देते हैं लेकिन MBBS की सीट्स बहुत कम होती हैं, तो अगर फिर भी आप मेडिकल फील्ड में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ और कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन और कार्डियक टेक्नीशियन। इन पैरामेडिकल कोर्सेज के अलावा बहुत सारे और कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे आप फिजियोथेरेपी में कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी में कोर्स कर सकते हैं, अगर हम नर्सिंग की बात करें तो आप ANM का कोर्स कर सकते हैं, GNM का कोर्स कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा इन नर्सिंग होता है, आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा नीट नहीं हुआ तो हम डिप्रेशन में चले जाएं या हम समझे कि ये हमारा एंड ऑफ एंड पॉइंट है, लेकिन हमें इसमें ही अपॉर्चुनिटी ढूंढकर और मेडिकल कोर्सेज के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, इनके बारे में ढूंढकर और इनमें से जो कोर्सेज आपको अच्छे लगे वो आपको कोर्स करने चाहिए। तो अगर आपका ड्रीम ये था कि आप मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाएं तो अभी भी आपके लिए ऑप्शंस बंद नहीं हुए हैं। एक बढ़िया ऑप्शन है GNM का, आप GNM का कोर्स कर सकते हैं। यह है जनरल नर्स मिडवाइफरी। इसको करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग पोस्ट पे लग सकते हैं और सैलरी की रेंज समवेयर अराउंड 25,000 to 35,000 तक भी जाती है पर मंथ की। उसके बाद अगर आप फिजियोथेरेपी में कोई कोर्स करते हैं, जैसे बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, तो आप एज अ डॉक्टर ही इक्वलेंट होते हैं, 4.5 years की पढ़ाई होती है इसमें, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में काफ़ी हाई सैलरी पे फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब होती है, जैसे कि इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 50,000 a month to 60,000। तो आप इस रेंज में सैलरी ले सकते हैं अगर आप BPT का कोर्स करें। फिर फार्मासिस्ट की आजकल बहुत नीड होती है, अगर आप फार्मेसी का कोर्स करें तो आप अपनी फार्मेसी की शॉप भी खोल सकते हैं, अगर आपने बैचलर्स किया है तो भी खोल सकते हैं और डिप्लोमा किया है तो भी खोल सकते हैं। अपनी शॉप में आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्केल करते हैं और क्या इनकम आपकी रहती है। तो फार्मेसी करने के बाद आप 25,000 rupees में 1 MG की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि वाले केंद्र खोले हैं वो खोल सकते हैं, और जेनेरिक मेडिसिन की शॉप खोल सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारा सपोर्ट करती है। तो फार्मेसी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फार्मेसी की मैंने अभी आपको एक बेसिक नॉलेज दी है, इसके बारे में और जानने के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप इसमें अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं इस फील्ड में। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने फिजियोथेरेपी की बात कर ली, नर्सिंग की बात कर ली, फार्मेसी की भी बात कर ली, इसके अलावा अब हम बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है जो कि बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आप लैब टेक्नीशियन हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, अपना लैब खोलकर भी काम कर सकते हैं, छोटे छोटे अपने लैब सेंटर्स बना सकते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लैब टेक्नीशियन आप हैं तो आपको किसी लैब में ही काम करना है। तो अपना काम करने के लिए जैसे MLT में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज हैं, जैसे Flebo.in हो गया, CRL लैब्स हो गए, हेल्थियन हो गए, ये आपको अपने कलेक्शन सेंटर्स खोलने देते हैं, आप कलेक्शन सेंटर्स खोल के अपना खुद का काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात करते हैं, उसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं या फिर आप अपनी पोर्टेबल मशीन लेके होम सर्विस भी दे सकते हैं रेडियोलॉजी में। जैसे Flebo.in पहले लैब का काम करता था, अब वो रेडियोलॉजी की भी होम सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स वाले भी हैं जो एक्सरे एट होम सर्विस देते हैं। फिर आते हैं हम ऑप्टोमेट्री में, ऑप्टोमेट्री में भी दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप किसी आई के सेंटर पे काम कर सकते हैं, आई की शॉप पे काम कर सकते हैं। फिर बड़े नाम हैं जैसे टाइटन आई प्लस हो गया, लेंस कार्ट हो गया, आजकल ये ऑप्टोमेट्री और विजन टेस्टिंग की होम सर्विसेज देते हैं। तो आप एज अ होम टेक्नीशियन भी काम कर सकते हैं और सैलरी की स्केल बहुत अच्छी होती है इसमें भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स में आप अपना सेटअप नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ आप किसी डायलिसिस सेंटर में काम कर सकते हैं, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स आजकल हर एक हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर होना ही चाहिए।
तो डायलिसिस सेंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसी हिसाब से डायलिसिस टेक्नीशियन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ तो भी, तो निराश ना हो और इन कोर्सेज को ज्वाइन करके अभी भी अपना मेडिकल फील्ड में ब्राइट फ्यूचर बनाइए। सो गाइज, आप लोग बिल्कुल निराश ना हो और अपने आसपास देखें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो आप आगे बढ़िए, इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए और इन कोर्सेज को करके अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए।